सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं जो है कृष्णा का जो है पार्ट टू ट्यूटोरियल वीडियो जो है मैं ले आया हूँ, ठीक है। जो पार्ट वन वीडियो में मैंने बना दिया था जो कि था आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो, और ये है फेस शेडिंग वीडियो, ठीक है, फेस शेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो कि कैसे आपको करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाऊँगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो आई है, आई में मैं जो है एच बी पेंसिल से पहले शेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि लेयर वाइज आपको करना पड़ता है। उसके बाद मैं जो है ब्लेंड कर दे रहा हूँ पेपर स्टम्प से, ठीक है। उसके बाद जो है मैं 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आई बॉल में, और आई के अंदर का जो पोर्शन होता है ना, आई के अंदर का जो व्हाइट पोर्शन होता है उसमें भी आपको शेडिंग करना पड़ता है, जिससे कि ये बिल्कुल 3D लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ड्राइंग को, हाईलाइट के लिए मैं जो है पेंसिल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और पेंसिल इरेजर और नीडल इरेजर का ही मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट के लिए, जो आई का जो हाईलाइट है। और गाइस, सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो होता है वो लेयर वाइज आपको ड्राइंग को करना पड़ता है, ठीक है। आप लेयर वाइज ड्राइंग को करते जाओ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट लेयर दिया आप एच बी से, उसके बाद सेकंड लेयर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 6B से, उसके बाद थर्ड लेयर में थोड़ा थोड़ा जगह पे जो है मैं जो है 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए जो है मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर ब्रश को यूज़ करते हो और टिश्यू पेपर का यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आने वाला है आपके ड्राइंग में, ठीक है। आपके ड्राइंग में जो है ना एकदम जान डाल देगा यार, आप एकदम लेयर वाइज ड्राइंग को करो, बिल्कुल एक जान डाल देगा लेयर वाइज अगर आप शेडिंग करते हो तो, ठीक है। तो ऐसे आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको करते जाना है इस वाले ड्राइंग को, मैं जैसे कर रहा हूँ। पहले जो फर्स्ट लेयर में जो मैं जो एच बी से कर रहा हूँ ना, तो जहाँ जहाँ पर आपको फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है, पहले फ़ोटो को आप अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट लेयर में मैं जो दे रहा हूँ उसमें कहाँ कहाँ पर डार्क है, कहाँ कहाँ पर लाइट है, उसको ऑब्जर्व करते हुए इस ड्राइंग को करना है। पहले ही फर्स्ट लेयर में आपको ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि कहाँ पर कहाँ डार्क है और कहाँ कहाँ पर लाइट है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, देख सकते हो। इसके बाद मैं जो है यहाँ पर मैं ब्रश से ही ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ, देख सकते हो। उसके बाद मैं जो आईब्रोज में जो है यहाँ पर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ 6B से, उसके बाद मैं 10B से दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा जो आईब्रोज है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि आपका जो आईब्रोज है ना ये रियलिस्टिक लगना चाहिए, जैसे कि आपका हेयर रियलिस्टिक होगा। उसके बाद ऊपर का जो पोर्शंस है यहाँ पर भी मैं जो है फर्स्ट लेयर दिया एच बी से, उसके बाद मैं जो है 6B का यूज़ किया, और यहाँ पर जो फ्लावर्स का जो शेडो है वो भी यहाँ पर पड़ रहा है, इसलिए मैं जो है यहाँ पर ऐसे कुछ शेडिंग को कर रहा हूँ शेडो दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो है 10B पेंसिल नहीं यूज़ किया, यहाँ पर मैं 6B से ही कर रहा हूँ, ठीक है। और एक क्लिप मेरे से डिलीट हो गया है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। जो कि यहाँ पर जो तिलक रहता है ना कृष्णा जी का, वो यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो तिलक भी मैंने दे दिया है, क्योंकि इसको मैंने दिया है बैटरी इरेजर से ब्रूस्टो का। और गाइस, यहाँ पर नोज़ जो है, नोज़ में भी आपको सेम चीज़ करना है। नोज़ में आपको जो है यहाँ पर शेडिंग करना है, फर्स्ट लेयर देना है, उसके बाद उसको ब्लेंड करना है, और जिस साइड में ज़्यादा डार्क है जो कि नोज़ जो शेडो है उसको जो इस साइड में जो दिख रहा है ना जो डार्क पोर्शन, उसको पहले मैंने क्या किया, शेडिंग किया जो है, मतलब एच बी से शेडिंग किया, उसके बाद 6B से फिर मैंने से ब्लेंड किया, उसके बाद फिर से मैं शेडिंग किया, उसके बाद फिर से मैं ब्लेंड किया, ऐसे ही डार्क होते जा रहा है। और एक स्मूथनेस रखना है नोज़ में भी, एक जो लाइट है ना उसमें एक स्मूथनेस रखना है, जो मतलब नोज़ में भी एक स्मूथनेस चाहिए, एक हाईलाइट एरिया चाहिए आपको। हाईलाइट एरिया से जो है आपका जो नोज़ है बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, और नोज़ के जो आगे का दिख में मैंने जो छोटा सा हाईलाइट किया है, जिसके लिए नोक जो है, जो नोज़ है वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर ग्लॉस कर रहा है, ठीक है, ग्लॉसी टाइप का लग रहा है। तो देख सकते हो कैसे कैसे मैं यहाँ पर ड्राइंग को कर रहा हूँ। तो देखते रहो वीडियो को, मैं बताते जाऊँगा कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने जो है फर्स्ट लेयर दिया, उसके बाद सेकंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर। और गाइस, गाल में जो गुलाल दिया हुआ है कृष्णा जी का, ठीक है, यहाँ पर जो है होली का ये ड्राइंग है, तो यहाँ पर गुलाल लगा हुआ है गाल में, तो ये भी मैं रेड जो है कलर पेंसिल से ही करूँगा, ठीक है। रेड कलर का कलर पेंसिल से मैं इसको कर रहा हूँ, जैसे कि अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पर जो है रेड कलर पेंसिल यूज़ करूँगा इस साइड में, जो कि इस गाल में जो है मैं रेड कलर पेंसिल यूज़ करूँगा। और उसके पहले जो है यहाँ पर नीचे देख सकते हो मैं जो है इसको कर रहा हूँ, इस वाले जो नोज़ के नीचे वाला पोर्शन है, तो इसको भी मैं थोड़ा 3D टाइप से कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आपको 3D टाइप से करना है। और यहाँ पर देख सकते हो जो गुलाल है उसको भी मैं अभी कर रहा हूँ। तो देखते रहो वीडियो को, मैं बताते जाऊँगा धीरे धीरे आपको, देखते रहो। यहाँ पर देख सकते हो मैं लिप्स को शेडिंग कर रहा हूँ। लिप्स में भी आपको जो फर्स्ट लेयर देना है, उसके बाद जो डार्क पोर्शन, जो नीच का, जो मतलब लिप्स का जो नीच वाला ऊपर वाला लिप्स है उसके नीचे जो एक डार्क होता है, जिससे कि आपका लिप्स जो है 3D लगता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक हाईलाइट पोर्शन आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि आपका लिप जो है देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क लग रहा है, ठीक है। और लिप्स के ऊपर जो है आपको एक लिप का जो है यहाँ पर लाइन देना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका लिप। देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ, और अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करना है लिप्स को भी। तो वीडियो को देखते रहो एंड तक, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ एंड में, तो देखते रहो वीडियो को। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका जो है पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें मैं कंप्लीट करूँगा इस वाले पोर्ट्रेट को, ठीक है, ये वाला ड्राइंग को। तो इस ये ड्राइंग कैसा हुआ है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया, आपको मैं समझा पाया हूँ या नहीं वो भी मैं बताना, और कैसा हुआ है वो भी बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेहनत लगता है ड्राइंग्स को करने में ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसका पार्ट 3 वीडियो भी आएगा। तो आज के लिए कुछ इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।